हेलो, मैं सरस्वती पटेल एंड आज हम ये कैप जॉब देख रहे हैं। बहुत प्यारी है ना, लग रही है ना मैं अच्छी। सो ये कैप हम आज पेंट करेंगे। सो इसके लिए हमें सब मटेरियल रिक्वायरमेंट्स वगैरह है जो वो मैं बताऊंगी। और इसके पहले आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर देना। लेट्स बिगिन विद आवर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कैप की। और जैसे ये मेरी पुरानी कैप है, आप देख सकते हो कुछ कलर्स जो कि आपकी चॉइस के होंगे, जो भी आपको पसंद हो वो कलर्स ले लेना। एक टेक्सचर वाइट, और टेक्सचर वाइट अगर आपके पास ना हो तो आप वाइट एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो। टेक्सचर वाइट बेस कोट देने के लिए होगा, तो मैं टेक्सचर वाइट से बेस कोट दूंगी। आप चाहे तो वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हो। थोड़े से ब्रशेस लगेंगे जो कि आप कोई भी ब्रशेस ले सकते हो। मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया है बेस कोट देने के लिए, तो आपकी चॉइस है, आपको जो भी ब्रश चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हो। मैंने ये तीन ब्रश है, बट इसके अलावा मैंने और भी ब्रशेस यूज़ किए हैं यहाँ पे डिटेलिंग्स और ये सब चीज़ों के लिए। आपको लगेगी एक पेंसिल जिससे आप ड्रॉ कर सकते हो इसके ऊपर, अगर आपको ड्रॉइंग करनी हो। डायरेक्ट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर। आपको चाहिए तो आप थ्रेड्स भी यूज़ कर सकते हो। मैं एंकर थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप नॉर्मल वुलन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हो, वो चीप कॉस्ट करती है। तो शुरुआत में ट्राई करना कि आप जो भी टेक्सचर वाइट या एक्रेलिक वाइट का कलर का कोट दे रहे हो तो वो एकदम पतला सा कलर का कोट पहले शुरुआत में दिया जाए, और जो सेकेंड कोट होगा वो सूखने के बाद दिया जाएगा। सेकेंड कोट सूखने पर आपको आपकी पेंटिंग शुरू करनी है।